झांसी के झांसी सेंट्रल जो अपने आप में बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और तमाम वीवीआईपी सुविधाओं से लैस है। आज मैं आपको एक विशेष चीज दिखाने वाला हूँ कि झांसी स्टेशन से पहले जो पैसेंजर चला करती थी लखनऊ कानपुर के लिए, अब उसको चेंज करके उसकी जगह भारतीय रेल ने एक बड़ी खूबसूरत बड़ी बेहतरीन झांसी से कानपुर मेमो चला दी है। मेमो, जी हाँ, जो अपने आप में बहुत सुविधाजनक होती है, अच्छी होती है, चीपेस्ट होती है, कम से कम पैसे में, कम से कम किराए में जहाँ इसमें सफ़र किया जा सकता है और इसका इसकी सवारी इसका यात्रा अपने आप में बड़ी ही शानदार होती है। आइए अब हम इसको आपको मेमो को अंदर से दिखाते हैं ये कैसी है। खूबसूरत है, बढ़िया है और अभी तक मैंने ऐसी मेमो लखनऊ कानपुर में तो चलते देखी थी, लेकिन ये पहली बार है कि झांसी से भी अब कानपुर के लिए मेमो चलेगी जो अपने आप में बहुत सुविधाजनक है, बहुत बढ़िया है। यात्री हर तरीके के यात्रियों के लिए इसका अपने आप में एक अलग ही विशेषताओं से भरा लुक है। चलिए अब हम इसके अंदर लेकर चलते हैं। ये देख सकते हैं आप मेमो का लुक है, मेमो का बाहर का डिब्बा है और ये अंदर चढ़ने के लिए हम प्रवेश करते हैं मेमो के अंदर। आप देख सकते हैं ये मेमो का अंदर का लुक है, बेहतरीन सीटें हैं यात्रियों के लिए, सुविधाजनक सीटें लगाई गई हैं बैठने के लिए, पकड़ने के लिए काफ़ी गैप है, पैरों के लिए भी फुटरेस्ट की भरपूर व्यवस्था है, बीच में भी गैलरी अच्छी खासी चौड़ी दी गई है। ऊपर आप देख सकते हैं अगर सवारी ज़्यादा है तो आराम से खड़ी हो सकती है, पकड़ने के लिए हैंडल हैं, पंखे हैं और हर तरीके की सुविधा से लैस है और बहुत ही खूबसूरत इस ट्रेन को बनाया गया है, बहुत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की बनाया गया है। आपकी बात कराते हैं झांसी से कानपुर के लिए चलने वाली जो मेमो ट्रेन है, नई चालू हुई है और तमाम सुविधाओं से भरपूर है, यात्रियों के लिए बहुत सुविधाजनक है। तो आइए अब हम कुछ यात्रियों से ही बात करते हैं यहाँ कि इनको इस मेमो के सफ़र का आनंद कैसा लग रहा है और ये मेमो में बैठकर इनको कैसी फीलिंग आ रही है, झांसी से मेमो का चलना इनके लिए क्या, इनको किस प्रकार की खुशी देता है। तो सबसे पहले हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे इनका नाम जानते हैं और इनसे ही जानते हैं कि मेमो झांसी से चलना कितना सुविधाजनक है इनके लिए। नमस्कार भैया, क्या नाम आपका? आर्यन। अब बताएंगे कि ये मेमो का झांसी से जो शुरू हुई है इसको लेकर आपके कैसे विचार हैं और कितने खुश हैं आप? मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये ट्रेन मतलब अपने टाइम पे भी रहती है और इन पैसेंजर से काफ़ी जल्दी कानपुर पहुंचा देती है और इसके स्टॉप भी कम है और दूसरी बात पहली है भारत झांसी की मेमो है, झांसी कानपुर लाइन की, तो काफ़ी एक्साइटेड है। बाकी मेरा पहला सफ़र है, एंजॉय करेंगे तब आप शेयर करेंगे आपसे जानी। अच्छा, इसका किराया और पैसेंजर के किराए में कोई विशेष अंतर है क्या? नहीं नहीं, कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन हाँ उससे 10-5 रुपये कमी है इसका किराया। और सुविधाओं में अगर बात करें तो पैसेंजर सुविधाओं में आप ये ले लीजिए, जो लोकल गाँव वाले हैं जो दूर दूर के लिए आते थे इधर के लिए, ये मान लीजिए उनके लिए काफ़ी बेटर है ट्रेन, वो अपना सामान वगैरह ला के जो डेली आसपास पास गांव के लोग हैं वो आ सकते हैं डेली और अपना सामान वामान में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, आसपास हर स्टेशन पे स्टॉप है उसका। चलिए धन्यवाद आपका। अब हमारे बगल में ही एक और बहन जी बैठी हुई हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये मेमो का सफर कर रही हैं, इनको कैसा लग रहा है मेमो का सफर? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे लिए मोदी जी ने इतना सब कुछ किया है उसके लिए मैं दिल से थैंक यू, आई एम सो हैप्पी। और अच्छा, मेमो में आप जो झांसी कानपुर मेमो है, इससे पहले क्या कभी किसी मेमो का सफर किया है आपने? नहीं, नहीं, अच्छा लग रहा है और पैसेंजर से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, इंटरसिटी वाली फीलिंग्स लग रही है। बेटा आपको कैसा लग रहा है मेमो में बैठ के? अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। तो दोस्तों ये था हमारे साथ कुछ पैसेंजर्स की बात हुई है जो आज झांसी कानपुर मेमो का सफर कर रहे हैं।
और निश्चित रूप से बहुत खुश हैं। इनको लगता है कि ऐसी सुविधाएं भारतीय रेल, भारत सरकार अगर पैसेंजर्स के लिए करती रहे तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो समय है झांसी से कानपुर के लिए चलने का, वो 8:50 है और किराया मात्र 45 रुपये है, मात्र 45 रुपये। दोस्तों आज के समय में 45 रुपये में आप आराम से सुविधा के साथ आनंद लेते हुए इस मेमो ट्रेन का आप बड़े आराम से लखनऊ तक का, कानपुर तक का सफ़र कर सकते हैं। और बहुत ही सुविधाजनक, बढ़िया साफ़ सुथरी ट्रेन है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। और झांसी रेलवे स्टेशन को तो वैसे भी स्वच्छता के नाम पर सबसे अच्छे स्टेशनों में से जाना जाता है, और सुविधाओं के मामले में भी झांसी स्टेशन का क्या कहना। भारतीय रेल की ये सौगात निश्चित रूप से झांसी के लिए मील का पत्थर बनेगी। हर तरीके की सुविधा से लैस है ये बेहतरीन मेमो जो अब झांसी से कानपुर के बीच चलेगी। ये भारतीय रेल की सौगात है झांसी रेलवे स्टेशन को। और निश्चित रूप से भारत की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार हर सेक्टर पर ध्यान दे रही है, और रेलवे को तो विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। तमाम नई गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, सुविधाएँ दी जा रही हैं, और यात्री लगातार रेलवे की सुविधाओं से बहुत खुश हैं। और आए दिन रेलवे की तरफ से कुछ ना कुछ नया किया जाता रहता है। अभी आपने जानकारी मिली थी, अभी हाल ही में रामायण ट्रेन भी चलाई गई थी, और इससे पहले तमाम ट्रेनें अच्छी अच्छी चलाई गई यात्रियों के लिए, जो अपने आप सुविधाओं से भरपूर हैं। भारतीय रेल ही हमारे देश का सबसे बड़ा यातायात का साधन है, और अधिकांश देश की जनसंख्या यात्रा ट्रेन में ही करती है। और ट्रेन का सफ़र अगर सुविधाजनक हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो दोस्तों ये हमारे झांसी की कानपुर चलने वाली मेमो ट्रेन है। अब आपको अगर कानपुर जाना है तो आपको पैसेंजर नहीं, पैसेंजर के ही किराए पर इस शानदार मेमो ट्रेन का सफ़र करने को मिलेगा। आइए भारतीय रेल का शुक्रिया अदा करें, और फिर मिलेंगे हम आपको। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर भारतीय रेल पर बना ये मेमो, ये वीडियो अच्छा लगा आपको हमारा, तो आप कृपया कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी नए ऐसे ही सफ़र पर। तब तक के लिए अपने दोस्त मृदुल साहब सबको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।